सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों आपस में महाटक्कर कर रहे हैं और इन दोनों फिल्मों के क्लैश पर काफी सारे बातें हो रही है। दोनों फिल्म आ रही है एक ही दिन सिनेमा घरों में और वो है 1 नवंबर। दीपावली के मौके पर जब पूरे दुनिया भर में एक अलग ही तहलका, एक अलग ही खुशी की माहौल होने वाली है, उस खुशी के माहौल पर भाई डबल धमाका हो रहा है। बल्कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है, जो पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये दोनों फिल्मों के बीच जो एक महा मुकाबला है, एक महा कह सकते हो जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि आपस में कमाई के रिकॉर्ड कौन सी फिल्म जबरदस्त लेवल पर ले जा सकती है, वो एक सबसे बड़ी मायने रखती है। मगर दोनों फिल्मों के एक प्री बुकिंग रिपोर्ट निकल के सामने आई, इसकी एडवांस बुकिंग रिलेटेड, जिसे देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ रहा है। बल्कि अभी सिंघम अगेन को लेकर और भूल भुलैया 3 को लेकर यूके की जो प्री बुकिंग, एडवांस बुकिंग, प्री बुकिंग जो होता है वो चल रहा है, जिसकी करंटली डाटा मैंने देखा तो काफी हैरानी भी हुई कि वाव, ऐसा कुछ अलग हो सकता था, ऐसा कुछ कमाल का हो सकता था, मैंने भी नहीं सोची। आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सिंघम अगेन को लेकर यूके में असाधारण प्री बुकिंग हो रही है, मतलब स्लोली स्लोली प्री बुकिंग हो रही है, मगर भूल भुलैया 3 के लिए अभी तक एक भी टिकट नहीं बिकने की रिपोर्ट सामने आई है। मतलब 1-2-3 टिकट बिके हैं और जिस तरह से भाई सिंघम अगेन को लेकर टिकट बुकिंग चल रही है, प्री बुकिंग चल रही है यूके में, वो उसकी रिपोर्ट्स काफी बेहतरीन है, पॉजिटिव है। और भूल भुलैया 3 को लेकर थोड़ा निगेटिव पॉइंट देखने को मिली है इसके एडवांस बुकिंग में, प्री बुकिंग को लेकर। बाकी दोनों फिल्म बहुत कमाल का है, पब्लिक इसके जब फर्स्ट रिव्यू देंगे तो इसकी ऑलरेडी जहां तक एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा, एक अलग ही जहां तक पब्लिक के बीच जहां तक देखने का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा कि फिल्म कैसी है, क्या लोगों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, जब उसके रिव्यूज आएंगे और जहां तक ऑलरेडी जब ट्रेड एक्सपर्ट इसके रिव्यू देंगे जहां तक बड़े बड़े, तो वो कहीं ना कहीं एक खुलासा होगा कि फिल्म को पब्लिक को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बाकी अभी अगर प्री बुकिंग को लेकर पब्लिक इतना एक्साइटेड है, अगर वो देखें तो सिंघम अगेन को लेकर काफी ज्यादा बेहतरीन रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसकी आप लोग रिपोर्ट मेरे सेंस पर भी करंटली डाटा देख सकते हैं, जो यूके की ये करंटली है सिंघम अगेन को लेकर और साथ में भूल भुलैया 3 को लेकर। जहां पर देख सकते हो सिंघम अगेन को लेकर प्री बुकिंग जो चल रही है वो तो चल ही रही है अच्छी खासी, लगातार टिकट अच्छे खासे बिक रहे हैं, प्री बुकिंग चल रही है अच्छे खासे, मगर जो आखिरकार भूल भुलैया 3 को लेकर भी होनी चाहिए था एक्साइटमेंट लेवल, उसकी प्री बुकिंग अच्छी खासी चलनी चाहिए था, वो उस तरह की नहीं चल पा रही है। जहां पर अगर बात करें सीधा सीधी तो 10 टिकट सिंघम अगेन की बिक रही है, वहां पर 1 टिकट भूल भुलैया 3 का बिक रहा है। तो आप लोग आकलन ले सकते हो कि किसकी सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग चल रही है, अभी प्री बुकिंग चल रही है, वो आंकड़े अभी यूके की करंटली डाटा सामने आया है। तो बाकी इसको देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ेगी और कौन सी फिल्मों को लेकर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेट होगा, इसको लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा। और बाकी आप लोगों को करंटली डाटा मिलते रहेंगे एडवांस बुकिंग रिलेटेड, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट और सारी डिटेल्स आप लोग को एक एक करके बताने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहे और प्यार दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।